आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। आज हम बात करेंगे, आज दिनांक है 23 मार्च 2021, यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। यानी कि आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अंग्रेज़ों ने फांसी की सजा दी थी। तो एवं दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में शहीद आजम भगत सिंह एवं उनके अन्य साथी क्रांतिकारियों की, उनको फांसी क्यों दी जाती है, उनका जन्म कहाँ होता है, और वो 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो जाते हैं और भारत सरकार अब तक उनको शहीद का दर्जा नहीं देती है, क्यों नहीं देती है, एवं उनकी फांसी को महात्मा गांधी क्यों नहीं रुकवाते हैं, इन सब की चर्चा आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। ये दौर था गुलामी का, हर तरफ बोलबाला था अंग्रेजी हुकूमत का। ये दौर था गुलामी का, हर तरफ बोलबाला था अंग्रेजी हुकूमत का। हर तरफ सड़कों पर अफरा तफरी मची थी, हर तरफ सड़कों पर अफरा तफरी मची थी, अंग्रेजों का कहर था। दोस्तों, 1907 में सितंबर के महीने में पंजाब, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है वह क्षेत्र, उस समय पंजाब नहीं था, उस समय भारत एक ही था। ये तो अंग्रेज थे, इन्होंने पंजाब भारत के टुकड़े किए, तो उस समय पंजाब यानी कि लाहौर, पंजाब के लालपुर डिस्ट्रिक्ट में बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म होता है। सिख धर्म में यानी कि भगत सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम था किशन सिंह एवं इनकी जो माताजी थी इनका नाम था विद्यावती। इनका जन्म 1907 में होता है। इसी समय जिस दिन इनका जन्म होता है उस दिन इन्हीं के चाचा एवं इस परिवार के 3 सदस्य जेल से रिहा होकर आते हैं, क्योंकि वह भी एक क्रांतिकारी और वीर थे, तो वो क्रांतिकारी घटनाओं के कारण जेल में चले गए थे, और जिस दिन इनका जन्म होता है उन्हीं दिन उनकी रिहाई होती है। तो यानी कि इनके घर के सदस्य इनको मानते थे, यानी कि इनका जन्म हो रहा है और घर पे वो लोग भी छूट के आ रहे हैं, यानी कि खुशी का दिन था इनके घर में, और इनको परिवार में भगू भगू नाम से कहकर पुकारते थे। 1907 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद ये बचपन से ही बहुत तेज और क्रांतिकारी थे, यानी कि इनमें देश के प्रति भावनाएं थी, देश के लिए कुछ करें, देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाएं। एवं ये बचपन में ही कि पढ़ने में बहुत तेज थे, होशियार थे, यानी कि जब ये स्कूल में जाते हैं तो आम साधारणतः एक बच्चा अपने सब्जेक्ट के सारी किताबें नहीं पढ़ पाता है, लेकिन अपितु या सब्जेक्ट के अलावा उस समय 50 किताबें पढ़ चुके होते हैं। कौन? भगत सिंह। एवं 1907 में जन्म होने के बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनकी उम्र 12 साल होती है, उस समय 1919 में भारत में रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में 13 अप्रैल के दिन पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, यानी कि स्वर्ण मंदिर के पास में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस समय रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, यानी कि भारत में एक्ट आया था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट का मतलब है बिना किसी को बताए हुए, बिना दलील, बिना वकील का ऐसा एक्ट जिसके तहत ओनली शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और उस शक के आधार पर दो व्यक्तियों को, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि उनकी रिहाई को लेकर वहाँ पर पब्लिक एक आंदोलनकारी शांतिपूर्वक सभा कर रहे होते हैं, यानी कि उनको छुटवाने के लिए वो एक शांतिपूर्वक वहाँ पर सभा कर रहे होते हैं, अपितु वहाँ उस समय डायर थे जनरल डायर, और वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। पब्लिक उस ग्राउंड से बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि बाहर अंग्रेजी सैनिक थे, एवं उसी समय उनको चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान उस समय आंदोलनकारी वहाँ पर बहुत से हजारों की संख्या में मारे जाते हैं, एवं उसी ग्राउंड में एक कुआं होता है, उस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए क्रांतिकारी वहाँ कूद जाते हैं। एवं अभी कुछ इतिहासकार अपनी बुक में आज भी बताते हैं कि आज भी वहाँ पानी के साथ ब्लड की कुछ मात्रा में ब्लड निकलता है, यानी कि पानी भी लाल कलर का भी दिखाई देता है। एवं दोस्तों, हम आपको बता दें 1919 में जब हुआ था उस समय 12 वर्ष के थे मात्र, और जब 1920 में का महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन लेकर आते हैं। असहयोग आंदोलन का तात्पर्य है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन जिसमें अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया जाए, जो भी भारतीय हैं वो अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करें, एवं अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के साथ साथ उनका जो उनके डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी छोड़ दें, एवं उनका सम्मान का बहिष्कार करें, एवं उनके द्वारा बनी कोई भी चीज़ एवं उनके द्वारा फैक्ट्री में काम ना करें, मजदूर हड़ताल पर चले जाएं, एवं टैक्स ना दें। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसा करेंगे, गांधी जी का मानना था, तो अंग्रेज़ एक साल में ही यहाँ से चले जाएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे।
अपितु ऐसा नहीं होता है। 1920 में भगत सिंह बहुत खुश होते हैं जब गांधी जी असहयोग आंदोलन लेकर आते हैं, क्योंकि वो गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। गांधी जी के वो प्रशंसक थे, और गांधी जी के दौरान गांधी जी जब चलाते हैं तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उसका परिवार पहले से ही गांधी जी को मानते थे। एवं भगत सिंह भी गांधी जी को मानते थे, इसलिए क्योंकि गांधी जी ही उस समय बहुत बढ़ चढ़ कर देश के लिए कुछ कर रहे थे। तो भगत सिंह सोचते हैं कि मैं भी इनके साथ देश के लिए कुछ करूं, और वो भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और 1920 के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। और उसी समय से वो सोचते हैं कि अब जल्द ही हमको आज़ादी मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। 2 वर्ष बाद 1922 में 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक घटना होती है, जिसको हम चोरा चोरी घटना कहते हैं, क्योंकि उस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बोला गया था कि हम अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करेंगे, जबकि उस स्थान पर चोरा चोरी नामक स्थान पर अंग्रेजी शराब और कपड़े बेचे जा रहे, तो वहाँ पर कुछ आंदोलनकारी उनका विरोध कर रहे थे। तो विरोध के दौरान वहाँ पर जो पुलिस थी वो पुलिस आंदोलनकारियों को बेवजह परेशान कर रही थी एवं उनको पीछे हटने के लिए बोल रही थी, जबकि आंदोलनकारी उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो इसी भिड़त में नहीं मान रहे थे, तो पुलिस अधिकारी ने क्या वहाँ पर 2 आंदोलनकारियों को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई एवं आंदोलनकारी भड़क गए एवं उन्होंने पुलिस का पीछा किया, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा एवं थाने तक उनका पीछा किया। पुलिस डर के मारे थाने में आई और अपने को अच्छा महसूस किया कि हम बच गए, लेकिन अपितु आंदोलनकारी कहाँ रुकने वाले थे, वो थाने तक पीछे आए एवं थाने को जला दिया। उसमें एक थानाधिकारी एवं 21 पुलिस सिपाही जिंदा जल गए। और उस घटना से गांधी जी बहुत नाराज हुए, क्योंकि वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, एवं जबकि भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी सोचते थे कि हम हिंसा करके ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकते हैं, जबकि गांधी जी सोचते थे कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम एक गाल पे कोई मारता है तो दूसरा गाल आगे कर देंगे, हमको आज़ादी मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो 1922 में घटना होने के बाद भगत सिंह और गांधी जी में मतभेद हो जाते हैं। गांधी जी अलग मार्ग पर चलते हैं, भगत सिंह अलग मार्ग पर चलते हैं। और 1922 के बाद 1925 में एक कांड होता है। कौन सा कांड होता है? काकोरी कांड होता है, यानी कि एक ट्रेन को लूटते हैं क्रांतिकारी, अंग्रेजों की ट्रेन को लूटते हैं, उसमें से माल लूटते हैं। और उसी के दौरान उसके बाद में 1925 में घटना होती है, एवं 1926 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं। और 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं एवं 1925 में इसी दौरान उनके परिवार वाले सोचते हैं उनकी शादी करने की सोचते हैं, तो भगत सिंह बोलते हैं इस गुलामी में मैं शादी नहीं करूँगा, भारत आज़ाद नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं देश के लिए ही कुछ करूँगा। और वो घर छोड़कर भाग निकलते हैं, घर छोड़कर भाग निकलते हैं एवं इस नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं। और उस नौजवान भारत सभा की स्थापना करने के बाद 1928 में एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, उनमें उसका विलय कर देते हैं और उसका नाम चेंज हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एवं उनके बाद क्या होता है, गांधी जी से वो नाराज़ हो जाते हैं, गांधी जी भी उस हिंसक घटना के कारण काफ़ी नाराज़ रहते हैं क्रांतिकारियों से। एवं उसके बाद में क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन आता है भारत में, तो उस साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि साइमन का कमीशन वापस जाओ। उसमें मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय, जिनको लाला के नाम से जाना जाता है। लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर लाला लाजपत राय अपने कुछ साथियों के साथ में उसका विरोध कर रहे थे, तो उसी समय एक पुलिस अधिकारी रहता है उसी समय जेम्स स्कॉट, और वो लाठीचार्ज करने का आदेश देता है। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और बोलते हैं मेरे शरीर पर किया जाने वाला एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य में कील की तरह साबित होगा, मेरे शरीर पर किया जाने वाला एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य में कील की तरह साबित होगा। और वो बेहोश हो जाते हैं और उनके 18 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। उसी समय भगत सिंह एवं उनके अन्य साथी सोच लेते हैं कि हमको अंग्रेज़ों से बदला लेना है, और वो 1 महीने बाद ही अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए स्कॉट को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग के तहत वो मुख्यालय पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जाते हैं उसको मारने के लिए, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वो स्कॉट की जगह सांडर्स को मार देते हैं। सांडर्स को पहली गोली राजगुरु मारते हैं एवं उसके बाद में 3 गोली भगत सिंह मारते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद 2 दिन तक वो लाहौर में छिपे रहते हैं। लाहौर में छिपे रहने के बाद
वो सोचते हैं कि अभी यहाँ महफूज नहीं है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वहाँ से निकलने के लिए वो एक प्लानिंग करते हैं। उसी समय प्लानिंग के तहत वो क्या करते हैं, उनके एक क्रांतिक वीर यानी उनके साथी थे, उनका नाम था भगवती चरण बोहरा, उनकी पत्नी से हेल्प मांगते हैं, उनका नाम है दुर्गावती देवी। उनको बोलते हैं, उनको अपनी भाभी बोलते हैं, और भाभी से बोलते हैं कि आप अंग्रेजी मैम बनो। और उसी समय भगत सिंह पहली बार सिख धर्म में क्या है कि आप बाल नहीं कटवाएंगे और दाढ़ी नहीं बनाएंगे, और पहली बार बाल कटवाते हैं और दाढ़ी बनवाते हैं और अंग्रेज बन जाते हैं, एक अच्छा खासा फर्स्ट क्लास अंग्रेज बन जाते हैं, एवं अपना एक नौकर रख लेते हैं, उसमें राजगुरु को शामिल कर लेते हैं। और उस समय अंग्रेज पुलिस और अंग्रेजी पुलिस अधिकारी उनको चप्पे चप्पे पर ढूंढ रहे होते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं क्योंकि वह अपना हुलिया बदल कर ट्रेन के जरिए, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर भी बहुत सारे पुलिसकर्मी रहते हैं, लेकिन उनको चकमा देखकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो इधर कानपुर आ जाते हैं, कानपुर से आगरा की तरफ चले जाते हैं, चले जाते हैं, और आगरा में ही वो एक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उस समय एक मजदूरों के खिलाफ एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक मजदूरों के खिलाफ एक दिल्ली असेंबली में एक बिल पास किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए, अंग्रेजों को डराने के लिए एक प्लानिंग करते हैं। उसके तहत दिल्ली असेंबली में वो बम फोड़ते हैं, और बम ऐसी जगह फोड़ते हैं जहाँ पर किसी का जान माल का नुकसान ना हो। वो चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो, खाली हम अंग्रेजों को, बहरों को सुनाई दे कि आप बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, यह हमारे पे नहीं होना चाहिए। इसी के लिए वो दिल्ली असेंबली में उसका साथ देते हैं बटुकेश्वर दत्त, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फोड़ते हैं और वहाँ पर पर्चे देते हैं। और वो चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे, वो चाहते तो जान माल का नुकसान कर सकते थे, वो चाहते तो अंग्रेज अधिकारियों को मार गिरा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह खाली आगाह करना चाहते थे अंग्रेजों को कि आप बहुत ज़्यादा अत्याचार भारतीयों पर कर रहे हैं, और वहाँ से भागते नहीं हैं। वो वहाँ खड़े खड़े अपनी गिरफ्तारी करवा लेते हैं, और गिरफ्तार होने के बाद 1930 में कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, एवं उनके दो अन्य साथी भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सज़ा सुना दे दी जाती है, एवं 1931 में 24 मार्च का दिन फांसी का दिन चुना गया था, 24 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। जबकि होता यह है कि भगत सिंह जेल में जाने के बाद भी वहाँ भी नहीं रुके, वहाँ भी उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि अंग्रेज जेल के अंदर भी जो भारतीय कैदी थे एवं अंग्रेजी कैदियों में भेदभाव किया जा रहा था, भारतीयों को अलग, कैदियों को अलग सुविधा दी जा रही थी जबकि अंग्रेजों को अलग सुविधा दी जा रही थी। वहाँ भी वो विरोध करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और लास्ट में उनका एक क्रांतिवीर 63 दिन के बाद भूख हड़ताल के कारण मर जाता है, यानी कि शहीद हो जाते हैं। इसीलिए अंग्रेज डर जाते हैं और उनकी मांगों को मान लेते हैं। और जब उनको उस फांसी की सज़ा होने वाली थी, उस समय वो जेल में उनके पास आते हैं, तो वो लेनिन की बुक पढ़ रहे होते हैं। वो बहुत सी बुक पढ़ते थे, पढ़ने में बहुत तेज़ थे, यानी कि वो क्रांतिवीर थे। वो क्रांतिवीर नहीं थे, उनकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ रहा होता है देश के लिए, यानी कि उन्होंने अपनी शादी भी नहीं की और अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया देश के लिए, देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए, उनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ रहा था, और उस जुनून के दौरान ही हुआ है वो ये इतना सब कुछ करते हैं देश के लिए। उनकी उम्र कितनी थी, मात्र 23 साल 5 महीना और 23 दिन के जब थे वो शहीद हो गए थे, यानी कि उनको फांसी दे दी गई थी, और फांसी का दिन चुना गया था 24 मार्च 1931। अपितु अंग्रेज डर गए थे क्योंकि भगत सिंह के लिए आंदोलनकारी क्रांतिवीर बहुत अंग्रेजों का पीछा कर रहे थे, यानी कि उनको फांसी की सजा माफ़ करवाने के लिए। तो उनसे पब्लिक से अंग्रेजी प्रशासन डर गया, और उन्होंने 24 मार्च की बजाय, 24 मार्च को सुबह फांसी होनी थी, उनकी बजाय उन्होंने 11 घंटे पहले ही नेक्स्ट 23 तारीख को शाम को ही 7:35 पर उनको फांसी की सज़ा दे देते हैं। और जब फांसी की सज़ा देते हैं, उससे पहले वो उनको कोठरी में जाते हैं, तो वो लेनिन की बुक पढ़ रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं, लेनिन की बुक पढ़ने के बाद बुक को छत की तरफ फेंकते हैं एवं बोलते हैं, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दीजिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दीजिए। और वो मिलते हैं और बोलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और वो भारत के लिए नारे लगाते हैं, एवं खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं, फांसी के फंदे को चूमते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उसी दौरान उनकी माँ, माता जी उनसे मिलने आई थी, तो उन्होंने माँ को कहा था, माँ अंतिम समय जब मेरे को फांसी होगी तो उस समय आप मत आना, क्योंकि आप वहाँ रो दोगे, और रोने से लोग बोलेंगे भगत सिंह की माँ कमज़ोर थी और मैं यह नहीं चाहता माँ। तो उनकी माँ उसमें फांसी के दिन नहीं जाती है। दोस्तों, मैंने यह जानकारी आपको
दी है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बारे में, क्योंकि आज के दिन उनको फांसी हुई थी। तो फांसी क्यों हुई थी, गांधी जी ने क्या किया, किस वजह से उनको फांसी हुई, और उनका क्या कब जन्म होता है, कब उनकी मौत होती है। तो 1907 में उनका जन्म होता है, 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1925 में, 1928 में साइमन कमीशन, इन सबसे होते गुजरते भी 1931 को उनको फांसी पर चले जाते हैं। और आज भी भारत सरकार उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रही है, यानी कि वो उनको शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। एवं कुछ इतिहासकार अपनी बुक में उनको टेररिस्ट मानते हैं। दोस्तों, वो भारत के लिए एक क्रांतिकारी नहीं, जवानों के लिए भी वो एक योद्धा थे। यानी कि उनको देखने से, उनको उनकी कहानी पढ़ने से हमको प्रेरणा मिलती है कि आज भी हम लोगों को भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वृद्ध बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। एवं उनको फांसी देने के बाद भी अंग्रेजों को डर था कि अगर इनको दफनाएंगे तो इनकी कहीं अगर आग कोई देख लेगा तो पब्लिक जेल के अंदर आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, पीछे की दीवार तोड़कर जेल से बाहर ले जाते हैं, एवं नदी के किनारे पे जला रहे होते हैं। उसी समय गांव वाले देख लेते हैं तो अंग्रेज अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। एवं उनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज सिख धर्म के अनुसार गांव वाले फिर करते हैं। दोस्तों, यह कहानी थी भारत के क्रांतिवीर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की। एवं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य बताएं। दोस्तों, मैं आपको कहूँगा, आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब है खून जो देश के काम आता है, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। दोस्तों, ये दौर था या गुलामी का हर तरफ बोलबाला था, उस समय अंग्रेजी हुकूमत था, उस समय वो एक क्रांतिकारी थे, क्रांतिवीर थे। दोस्तों, पता नहीं वो किस मिट्टी के बने थे, कभी नहीं थके, कभी नहीं हारे। एवं उनका हौसला बुलंद था, वो फांसी पर भी हंसी हंसी खुशी खुशी चढ़ गए। जय हिंद, जय भारत।